आई एआई का इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सीए एग्जाम मे 23 स्टूडेंट्स के लिए सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल मई 23 स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट है सीए फाउंडेशन जून 23 से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना दिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने के लिए आपको आईस के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलना पड़ेगा तो चलिए चलते हैं आईस के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा अदरवाइज आपके मन में डाउट आ सकता है जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग का फैमिली मेंबर एक लाख निन्यानवे हजार कम्प्लीट करने वाला है आज के दिन में अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा जैसे ही हंड्रेड स्टूडेंट्स और सब्सक्राइब करेंगे एक लाख नियनवे हजार का फैमिली मेंबर हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है आज के दिन से मॉक टेस्ट सीरीज टू का रजिस्ट्रेशन सारे जगह पे स्टार्ट हो गया है जिन भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज में अपियर करना वो लोग लो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया था 17 मार्च 2023 के डेट में बट आज के डेट से सीए इंटरमीडिएट एंड सी ए फाइनल मी ट्वेंटी स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट सीरीज टू जो कि स्टार्ट हो रहा है पांच अप्रैल दो से इसके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है जिन भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन टेस्ट में अपियर करना वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑफलाइन टेस्ट का मतलब है जिन भी स्टूडेंट को फिजिकल मोड में मॉक टेस्ट का एग्जाम देना ए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो या सी फाइनल का सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जिन स्टूडेंट को वर्चुअल मोड में देना यानी कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना मॉक टेस्ट का उनको रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं आई अपने वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर अपडेट करेंगे वहां से डाउनलोड करके स्टूडेंट को सॉल्व करना है इसके बाद 48 एट आवर्स के बाद आई अपने वेबसाइट पे सजेस्टेड एंसर शीट अपडेट कर देंगे खुद का परफॉर्मेंस खुद से चेक करना पड़ता है बट अगर मॉक टेस्ट का एग्जाम सीरीज टू का भी एग्जाम अगर आप ऑफलाइन देते हो तो आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा जिससे आपका परफॉर्मेंस पता चलेगा तो डाउट आ सकता है कैसे रजिस्ट्रेशन करना अगर आपके आस रीजनल ब्रांच है तो वहाँ जाकर के पता कर सकते हो इसके बारे में या नहीं तो रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे आईसीआई एक्टिविटी डॉट आई सी आई डॉट ओ आर जी का ऑफिसियल वेबसाइट पे आओ यही वेबसाइट पे जो कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखो और गो पे क्लिक करो जैसे ही गो पे क्लिक करते हो आपके सामने मॉक टेस्ट पोर्टल शो कर रहा है आपको मॉक टेस्ट पोर्टल पे क्लिक कर देना जैसे ही मॉक टेस्ट पे क्लिक करते हो जो भी आप लोगों का रीजनल ब्रांच है जहाँ पे मॉक टेस्ट कंडक्ट हो रहा है ऑफलाइन मोड में फिजिकल मोड में तो ये वेबसाइट पे आकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या नहीं तो आप रीजनल ब्रांच में जाकर के पता कर लीजिए अब डाउट आ सकता है क्या रजिस्ट्रेशन फी क्या होता है ये तो ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है किसी किसी ब्रांच में बिल्कुल फ्री होता है किसी किसी ब्रांच में पर सब्जेक्ट हंड्रेड या टू रुपया लगता है और ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो रीजनल ब्रांच जा नहीं सकते उनके घर से बहुत ज्यादा दूर होगा रीजनल ब्रांच तो वो लोग फिजिकल मोड में ना दे करके वर्चुअल मोड में भी दे लेकिन मॉक टेस्ट एग्जाम को स्किप प्लीज मत कीजिएगा मैंने बोला कि जो लोग भी वर्चुअल मोड में ना दे करके मॉक टेस्ट फिजिकल मोड यानी कि ऑफलाइन एग्जाम देते हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है रिजल्ट के रिगार्डिंग में आप लोग रीजनल ब्रांच में ही पता करोगे या नहीं तो रीजनल ब्रांच का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ के नोटिस बोर्ड में चेक करोगे बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट के रिगार्डिंग में मुझसे डाउट पूछ रहे थे तो अपने अपने रीजनल ब्रांच के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है वहां से सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे सीए फाइनल का स्टूडेंट सीए फाइनल पे क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक करेंगे कैसा परफॉर्मेंस रहा सीरीज वन मॉक टेस्ट सीरीज वन के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस जो भी स्टूडेंट फिजिकल मोड में मॉक टेस्ट दिए थे इसके बारे में पूछ रहे थे रिजल्ट कहाँ पे चेक करें इसी तरीके से जो लोग फिजिकल मोड में मॉक टेस्ट सीरीज टू को देंगे ओरिजिनल ब्रांच में रिजल्ट के रिगार्डिंग पता करें या नहीं तो दूसरा ऑप्शन है रीजनल ब्रांच के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट चेक कर सकते हो बाकी मैंने सीए इंटरमीडिएट सीए फाइनल मे 23 सीरीज वन मॉक टेस्ट मैंने चार्टेड स्टडीज के टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर और आंसर से शेयर कर दिया एक बार फिर से अरेंज करके आप लोग एक साथ डाउनलोड कर सकते हो आप लोगों को टेलीग्राम पे सर्च करना है चार्टेड स्टडीज या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं होता तो सीधा आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर लेना चार्टेड स्टडीज और मॉक टेस्ट सीरीज टू का भी सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल का सारा क्वेश्चन पेपर और सजेस्टेड आंसर से चार्टेड स्टडीज के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो या नहीं तो आप लोग आई ए के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो गुड न्यूज है जो लोग भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो सी इंटरमीडिएट का या सी फाइनल का अभी फ्लैट ट्वेंटी का डिस्काउंट चल रहा है ये ऑफर रहेगा 31 मार्च 2023 तक का अगर आप लोग सीए इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो या सीए फाउंडेशन का तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिए सब्सक्रिप्शन लेते समय प्लीज़ कोड जरूर यूज़ करें चार्ट स्टिस्टेंट कूपन कोड चार्टर्ड स्टडी कूपन कोड यूज करोगे तो आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा तो कोड जरूर यूज करना चार्टेड स्टडिस्टेंट कूपन कोड अन एकेडमी पे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर के साथ अन एकेडेडी का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो यहाँ पे अनलिमिटेड व्यूज लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से अन अकेम का लर्निंग एप डाउनलोड कर लीजिए इसके बाद जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो आप इजिली ले सकते हो अभी ऑफर भी चल रहा है तो आप लोग चार्टेड स्टिस्टेंट कूपन कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए तो ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना